आज हम लोग आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करते हैं, और आइडेंटिटी यानी पहचान, शिनाख्त। और मैं एक बात बता दूं कि करीब 1997 में एक स्कॉलर हुआ करते थे पॉल गिलरो, उन्होंने अपना एक एक आर्टिकल लिखा, डायस्पोरा एंड द डिटूर्स ऑफ आइडेंटिटी। उसमें एक बात कही, बहुत ही खूबसूरत बात है, कि वी लिव इन ए वर्ल्ड वेयर आइडेंटिटी मैटर्स। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर आपकी शिनाख्त, आपकी पहचान एक मानी रखती है और उसकी आय एक एक महत्व है जिंदगी में। तो मैं आपको ये कह दूं कि जो आइडेंटिटी लफ्ज है, हर इंसान इस्तेमाल करता है। कहीं पर जेंडर आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है, कहीं सेक्सुअल आइडेंटिटी की बात हो रही है, कहीं कास्ट आइडेंटिटी की बात होती है, कहीं पे रिलीजियस आइडेंटिटी की बात होती है, कहीं पे रीजनल होती है, कहीं पर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात होती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी बातचीत में, बहस मुबहसे में अपनी आइडेंटिटी पर सवाल करते रहते हैं, या अपनी आइडेंटिटी पर नाज करते रहते हैं, या उसके ऊपर होने वाले हमलों के बारे में बात कर रहे होते हैं। कहीं पर हम चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान जो है वो उसकी हिफाजत हो, और हमें ये सारा हक हो कि हम अपनी आइडेंटिटी से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को आगे बढ़ाएं। खैर, आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है आज के दौर में, और सोशल साइंटिस्ट के लिए भी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए भी, और आम इंसानों के लिए भी आइडेंटिटी आजकल एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही अहम मामला है, मसला है, उसूल भी है एक तरीके से। आइडेंटिटी देखें कि एक एक नाउन है, एक मतलब एक लफ्ज है जो एक लैटिन वर्ड हुआ करता था आइडेंटिटास, उससे निकला हुआ है। और आइडेंटिटास का मानी ही होता है कि बीइंग हु और व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, एक इंसान या एक सामान क्या है, उसकी हैसियत क्या है, वो कौन है, इससे जुड़ा हुआ है आइडेंटिटी। मींस कि आइडेंटिटी जो है इज लिंक्ड विथ आइडेंटिफिकेशन, कैसे आप किसी चीज से जुड़ाव महसूस करते हैं। यानी कि वी नीड टू आइडेंटिफाई आर सेल्फ विथ अदर्स आर विथ वन सेल्फ फॉर सम आइडेंटिटी। यानी कि आइडेंटिफिकेशन जो है, या वी आइडेंटिफाई फॉर गेटिंग अ रिकॉग्निशन एज आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिफिकेशन प्रीसपोजेस आइडेंटिटी इसमें। सो इट इज बाय मीन्स ऑफ सीरीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन दैट वी कंस्ट्रक्ट आवर आइडेंटिटी। यानी कि लगातार हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों से हम अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं, अपने आप को जोड़ करके देखते हैं। और कभी हम अपने आप को जेंडर से जोड़ करके देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम मेल हैं। कभी हम किसी इलाके से जोड़ करके अपने आप को देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम नॉर्थ इंडियन है। मुल्क से जोड़ करके देखते हैं तो हमें लगता है हिंदुस्तानी है। कभी हम मजहब से जोड़ करके देखते हैं तो लगता है कि या तो हिंदू है, या मुसलमान है, या सिख है, या ईसाई है। कभी कभी हम अपने टेस्ट से जोड़ करके अपने आप को देखते हैं। तो हम कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, और यही आइडेंटिफिकेशन जो है हमारे लिए अपनी आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है। तो कुछ सवाल है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि आइडेंटिटी क्या है। इसके बारे में एक सवाल है कि हु यू आर। हर इंसान एक सवाल पूछता है कि वो कौन है, हु एम आई, हु यू आर एंड व्हाट दे आर, हु वी आर। हम हमेशा ये पूछते हैं कि वो मैं कौन हूं, वो कौन है, हम कौन है, और वो लोग कौन है। तो यहां पर ये आप देख रहे हैं कि आई एंड यू, वी एंड दे। सो ये सवाल जो है अक्सर होता है जब आप इसके जवाब देने लगते हैं कि हु यू आर, कैसे आप अपने आप को डिफाइन करते हैं कि व्हाट। और उसके बाद जब आपको ये पता चलता है कि हु यू आर, हु एम आई, व्हाट, हु दे आर, हु वी आर, जब ये सवाल का जवाब देने लगते हैं तो आपको पहचान समझ में आने लगती है कि व्हाट इज योर आइडेंटिटी, पहचान क्या है, शिनाख्त क्या है। इसके साथ साथ हु के साथ एक सवाल और जोड़ दें कि व्हाट यू आर, आप क्या हैं, व्हाट आई एम, मैं कौन हूं, व्हाट दे आर, वो कौन है, व्हाट वी आर, हम कौन है। ये सवाल भी है, ये भी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, और अक्सर हमें इसके बारे में पता चलता है। जब ये सवाल का जवाब देते हैं तो एक सवाल और बढ़ता है कि हाउ डू यू नो हु आर व्हाट यू आर, आपको कैसे पता चला कि आप क्या हैं और आप कौन हैं, एंड वो जो है वो कौन है और हम कौन है, ये बात आपको कैसे पता चली। आपके दोस्तों ने बताई, आपके घर वालों ने बताई, आपके समाज ने बताया, मुल्क ने बताया, किसने बताया। दैट सिंपली दैट
और इसके बाद जब हम इन सवालों के जवाब हम ढूंढने लगते हैं, फिर उसके बाद ये होता है हाउ डू वी रिलेट विद अदर्स, हाउ डू यू रिलेट विद अदर्स, आप अपने आप को दूसरों से कैसे जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, एंड कैसे, ये भी एक सवाल ये है कि हम बनना क्या चाहते हैं, ये भी हमारे जहन में एक आइडेंटिटी का तस्वीर होता है कि हम इनके जैसा बनना चाहते हैं, हम गांधी के जैसा बनना चाहते हैं, हम एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या मजहबी कोई शिनाख्त होता उनके जैसा दूसरे जैसा हम बनना चाहते हैं। तो हम जब भी दूसरों से जुड़ते हैं या ऐसी क्या चीज है, वो कौन सी रुझानात है, वो कौन सी खूबियां हैं दूसरों में जिसको और हमारे बीच में एक कॉमननेस पैदा करती है, एक दूसरे से जुड़ाव करती है। यानी कि एक और सवाल, दैट हु डू आई वॉन्ट माई फ्यूचर सेल्फ टू बी, मैं किस जैसा मुस्तकबिल में दिखना चाहता हूं, या ये भी कह लें कि हाउ डू वी डिस्टिंग्विश अवर सेल्फ, हम अपने आप को दूसरों से अलग कैसे करते हैं। तो ये सारे सवाल हैं, अगर आप इन सारे सवालों के जवाब दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आइडेंटिटी को समझ सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं आइडेंटिटी के तहत कि वॉट इज आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी का जो मानी है कि आइडेंटिटी इज ऑल अबाउट अ डिस्टिंक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग विथ वनसेल्फ, विथ अदर्स और अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। तो किसी चीज से जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं या हमारे अंदर कोई ऐसी खूबियां होती हैं जो दूसरों से अलग बनाती हैं, हमारी यूनिकनेस क्या है, या हम ऐसे किसी गिरोह के साथ या किसी समुदाय के साथ बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ाव महसूस करते हैं, या हो सकता है मजहब एक वजह होती है कि सामने हम इस्लाम मजहब में के मजहब के मानने वाले हैं, हम मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो हमें एक स्ट्रांगली फील होता है कि हम हमारी बातें, हमारी यकीन, हमारे तौर तरीके मुस्लिम समाज से मिलते हैं, या हम ये कहें कि हम जो है नॉर्थ इंडिया के हैं, कोई साउथ इंडिया के, तो वो अपने एक स्ट्रांग सेंस ऑफ आइडेंटिटी वहां से डेवलप करते हैं। तो हम किस तरह से दूसरे से जुड़ाव करते हैं, तो ये आइडेंटिटी है। यही पर जैसे मैं ये कहूं कि जो है आइडेंटिटी का, जैसे मैं देखूं कि आइडेंटिटी के दो एस्पेक्ट यहां पे एक बात करना चाहेंगे, एक है इंटरनल जो है जहां पर हम खुद जो है अपना जाती मामले को देखते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी मेरी क्या है, मेरी अपनी शख्सियत क्या है, मेरी अपनी पहचान क्या है, अपनी सोच, चाहे वो हमारी हम शक्ल से दिखते कैसे, गोरे हैं कि काले हैं, आंखों का कलर क्या है, बायोमेट्रिक फीचर्स जो हमारे कैसे हैं, हम हार नाटे हैं, गोरे जो है, लंबे हैं, मोटे हैं, क्या है हम एक, या हमारी अपनी शख्सियत क्या है, या चाहे वो हमारी जाती हैसियत क्या है, या मुआशी हैसियत क्या, आर्थिक जो है हैसियत क्या, ये सारी चीजें जो हमारी एक पर्सनल, जैसे हम अपने आप को देखते हैं, जैसे कि हाउ डू आई सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे देखता हूं। तो कभी कभी जब आईने के सामने होता हूं तो कभी आंखों पर सवाल होता है कि यार मेरी आंखें अच्छी हैं या बुरी हैं, कभी कभी हाइट पे बात होती है, कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं जिस तरह से मैं कैरी करता हूं अपने आप को, वो भी एक सवाल होता है। दूसरी चीज होती है एक्सटर्नल, होता है हमारी आइडेंटिटी, दूसरा एस्पेक्ट है आइडेंटिटी का विच इज एक्सटर्नल, वो इंटरनल नहीं है, यानी कि दूसरा समाज हमें कैसे देखता, दूसरे हमें कैसे देखना, एक तो हमने अपने आप को कैसे देखा एक सवाल, दूसरा यह है कि दूसरे हमें कैसे देखना चाहते हैं। हम अपने आप को एक एथिस्ट देखते हैं तो सामने वाला तो एथिस्ट हमें नहीं देख रहा है, शायद वो मुसलमान समझ रहा है, या सामने वाला मुझे देखता है तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही गरीब किस्म का आदमी हूं, या एक मैं टीचर हूं, या मैं एक बेकार का इंसान हूं, या जिस तरह की भी उसकी सोच है नजरिया, तो एक सामने वाला एक आइडेंटिटी हमें देता है। तो यहां दो चीजें हैं, एक सवाल है कि एक आइडेंटिटी जो है जो इंटरनल है जिसको हम तय कर रहे हैं कि हम अपने आप को किस चश्मे के तहत देखते हैं या कैसे देखते हैं, बड़ा आसान है अपने आप को देख लेना कि हाउ डू यू सी योरसेल्फ, कैसे आप देखते हैं, या हाउ डू आई सी माईसेल्फ, हमारे हाथ में हम कैसे देखना चाहें, हम कहें कि भाई हम तो दुनिया के सुप्रीम आदमी है, हमसे अच्छा कोई आदमी नहीं है, या हमारी जो जात है वो सबसे सुपीरियर है, या हमारा मजहब जो है वो सुपीरियर रिलीजन है, या हमारी तौर तरीके हैं वो सुपीरियर है, हम अपने आप को देखें, ये बड़ा जो है बड़ा आसान है कि हाउ डू आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ। दूसरी वहीं पर आ जाती एक्सटर्नल कि दूसरे मुझे कैसे देखते हैं, वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो तय कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है कि हाउ डू अदर्स आइडेंटिफाई या डिफाइन और लुक एट मी माई सेल्फ यू आर योर सेल्फ, कैसे वो देखना चाहते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल है, वो भी आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो ये एक सवाल यहां पर एक चीज आ जाती है कि हु यू आर, ये तय करना कि आप कौन है, इस बात पर तय होता है कि हु यू आर नॉट, आप क्या नहीं है, आप अगर मुसलमान है आप हिंदू नहीं है तो क्या है, आप क्रिश्चियन नहीं है, आप ईसाई नहीं है तो क्या है, मुसलमान, आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है इसलिए
जो है वेजिटेरियन, यानी कि कुछ न कुछ जो है आपके अंदर लैग कर रही है, वो चीज नहीं है, ये भी आपके डिस्टिंक्टिवनेस बनाती है आपको जो है। आपके पास हाइट नहीं है तो क्या है आप, जो आप नाटे हो जाते हैं, या आप गोरे नहीं है तो आप क्या है काले, मतलब कोई चीज नहीं है तो समथिंग इज लैकिंग इन यू, ऑल्सो मेक यू डिस्टिंक्टिव, ऑल्सो मेक यू यूनिक। तो इसमें एक तरह के, अगर आप थियरीज में देखें, चलिए एक बात कहते हैं कि जो जो डिफरेंट मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स है, एक स्कूल ऑफ थॉट है इसेंशियलिस्ट का। इसेंशियलिस्ट का जो आर्गुमेंट है वो कहते हैं कि आइडेंटिटीज जो है वो स्टेबल होती हैं, वो होमोजेनस होती हैं, वो एकसा होती हैं, वो स्थिर होती हैं, उसमें बदलाव नहीं होता। और देर आर इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी विच डिटरमिन्स द सोशल मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस। कुछ ऐसी बुनियादी चीजें होती हैं आपके पहचान में, कुछ ऐसी यूनिकनेस होती हैं जो आपके समाज में होने का, आपके वजूद का, आपके तजर्बे के मानी का, आपके तजर्बे को तय करती हैं, यानी कि आपकी आइडेंटिटी तय करती है कि आपके समाज में किस तरह के तजर्बे होंगे, आपकी आइडेंटिटी तय करती है कि किस तरह का आपका वजूद होगा और किस तरह आपकी मिसालें और किस तरह से लोग आपको ट्रीट करेंगे। ये एसेंशियलिस्ट का आर्गुमेंट है कि आइडेंटिटी की कुछ बुनियादी खूबियां जो बदलती नहीं है, आइडेंटिटी आपकी जो यू आर बॉर्न विद एन आइडेंटिटी, आप पैदा ही होते हैं एक शिनाख्त के साथ। वहीं पर पोस्ट मॉडर्निस्ट जो माबाद जदीदियत या उत्तर आधुनिकतावाद में जो यकीन रखते हैं, उनका मानना है कि आइडेंटिटी जो है वो फिक्स्ड नहीं हो सकती। सो मीन्स देर इज नो फिक्स्ड सेट ऑफ आइडेंटिटीज, हमेशा आइडेंटिटी जो शिनाख्त जो है, जो पहचान है, वो बदलती रहती है, ये बदलती रहती है। और हर इंसान की आइडेंटिटी जो है उसकी आइडेंटिटी में कसीरियत होती है, एवरी आइडेंटिटी इज प्लूरल, कोई भी ये कहे कि नहीं एक पहचान है, एक शिनाख्त है आपकी, ये नहीं हो सकता। उसने पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि एवरी आइडेंटिटी दैट एवरी मैन इज हैविंग मल्टीपल आइडेंटिटी, प्लूरल आइडेंटिटीज है, और सभी की आइडेंटिटीज जो है फ्रेगमेंटेड होती है और ओवरलैप करते हैं। कभी कभी मैं, मेरे लिए मुस्लिम रहा था, उसी टाइम मुझे लगता है कि नहीं मैं तो गे राइट्स में भी बिलीव करता हूं, फिर उसके बाद कभी कभी लगता है कि मैं तो इंडियन भी फील करता हूं। सो मेरे जो आइडेंटिटी है दैट वो इसमें क्रॉस कटिंग लाइंस ऑफ फ्रेगमेंटेशन है। वहीं पर कंजर्वेटिव स्कॉलर्स हैं वो किसी भी तरह की आइडेंटिटी आर्टिकुलेशन को अपोज करते हैं, कि किसी भी तरह की शिनाख्त हो, पहचान की सियासत हो, उसको अपोज करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, शिनाख्त की सियासत जो है या पहचान की जो राजनीति है, ये पहचान की राजनीति समाज को पोलराइज करता है, ध्रुवीकरण करता है और समाज को बांटता है कई हिस्सों में। अगर समाज में इस्तेहकाम या स्टेबिलिटी, स्थिरता बनाए रखनी है तो हमें आइडेंटिटी के पॉलिटिक्स को इनकार करना होगा। तो ये वजूद की सियासत को कंप्लीटली इनकार कर देते हैं। वहीं पर जो है एक मार्क्सियन एनालिसिस है, कार्ल मार्क्स का भी एक नजरिया है जो है, और जो मार्क्सिस्ट हैं, जो मार्क्सवाद में यकीन रखते हैं, वो उनके लिए आइडेंटिटी अहम मानी रखते हैं। लेकिन उनके लिए आइडेंटिटी जो है एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करते हैं, कभी भी वो इनफरादी शिनाख्त की बात नहीं करते, इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात नहीं करते। तो कहते हैं कि दैट की ग्रुप आइडेंटिटी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो है क्लास कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि एक खास तौर के तबकों में एक बेदारी पैदा होगी, जैसे मजदूर तबकों में एक बेदारी की बात करते हैं और कहते हैं कि दुनिया के तमाम मजदूरों एक हो जाओ और तुम अगर इकट्ठा हो गए तो तुम समाज में बदलाव ला सकते हो। तो ये एक बात है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात है, कलेक्टिव आइडेंटिटी के बारे में, ग्रुपनेस के बारे में बात करता है कार्ल मार्क्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, मार्क्सियन एनालिसिस्ट है। वहीं पर जो लिबरलिज्म के मानने वाले लोग हैं, जो लिबरल वैल्यूज रखते हैं, उनके लिए आइडेंटिटी जो है वो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, सेल्फ की आइडेंटिटी है। मीन्स एवरी इंडिविजुअल इज एटॉमिक, एलियनेटेड, सेल्फ सेंटर्ड, एंड जो है दैट हर इंसान जो है एक व्यक्तिवाद का एक नजरिया है लिबरलिज्म का, कि एक इंसान की अपनी खुद की पहचान होती है, वो किसी ग्रुप की पहचान से वो नहीं जाना जाता, वो अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपनी आजादी तो एक इंसान के लिए मानी रखते हैं। तो एक इंफरादी नजरिया है लिबरलिज्म का। वहीं पर एक कम्युनिटेरियन स्कॉलर है जहां पर वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कम्युनिटी आइडेंटिटी, ये भी ग्रुप आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। दैट की दैट कम्युनिटी का कम्युनिटी एज ए कलेक्टिव
सेल्फ जो है या कलेक्टिव, और वो भी एक डोमिनेंट आइडेंटिटी में बिलीव करते हैं कि हर इंसान की अपनी एक डोमिनेंट आइडेंटिटी होती है और वो डोमिनेंट आइडेंटिटी किसी ग्रुप आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। मींस कि मुझे मेरी पहचान एक कम्युनिटी से, एक समुदाय से, एक कौम से जुड़े होने की वजह से होती है। तो ये कम्युनिटी कम्युनिटेरियन की थिंकिंग है, आइडेंटिटी पर डिफरेंट स्कॉलर्स है। आप इंडियन पॉलिटिक्स को देखेंगे तो यहां पर भी आप जाति की सियासत कहीं देखेगी मिलेगी, कहीं पर मजहब की सियासत आपको मिलेगी, कहीं पर जुबान की सियासत मिलेगी, कहीं पर जो है आपको लिंग भेद मिलेगा, कहीं पर नस्लवाद मिलेगा। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की राजनीति है, चाहे इंडिया की राजनीति हो या कनाडा की हो, यूनाइटेड स्टेट्स की हो, तो वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही हो चुकी है। वहीं पर आप थ्योरेटिकल डिस्कोर्स भी आजकल जो है पॉलिटिकल साइंस की जो डिस्कोर्स है पॉलिटिकल थ्योरी में, जहां सेक्सुअलिटी है, जेंडर है, जहां पर सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हैं, जहां पर कास्ट की आइडेंटिटी है, जहां पर रिलीजन की रिलीजियोसिटी है, इस पर थ्योरेटिकल डिस्कोर्सेज हो रहे हैं। वहीं पर इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट की आइडेंटिटी के बारे में बात होती है कि दैट वेदर स्टेट इज एन इंपॉर्टेंट एक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और नॉट। तो जो है ये जो सियासत जो है आजकल जो है सियासत पहचान की राजनीति बनती जा रही है, एक जो इंटायर पॉलिटिक्स इज नाउ रिड्यूस टू द पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, व्हाट आइडेंटिटी एनकंपासेस। इसमें ये जो जुड़ी होती है उसमें मैं कहता हूं चार चीजें जुड़ी होती है। एक ये है मेमोरीज, आपकी यादें जुड़ी होती हैं, या आपके तजर्बे जुड़े होते हैं एक्सपीरियंसेस, या आपका एक खास रिश्ता होता है रिलेशनशिप, और या आपके कुछ खास इकदामात होते हैं, मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती हैं। यानी कि आइडेंटिटीज के साथ जो जुड़ाव होते हैं मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप एंड वैल्यूज, ये चीजें मिल करके आपकी जो है आइडेंटिटी को क्रिएट करती हैं, बनाती हैं। कि जब भी आप किसी से जुड़ाव का महसूस करते हैं, आप अचानक किसी की याद आती है, कुछ यादें होती हैं, यार मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं उनके साथ ये करता था, तो मेमोरीज। ये चार चीजें, एक सवाल हमेशा जो है सोशल साइंसेस में और खासतौर से पॉलिटिकल साइंस में भी एक उठता रहा है कि ये आइडेंटिटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो दो थ्योरीज काफी पॉपुलर हैं इसके बारे में। एक है थ्योरी जो है कि आइडेंटिटी जो है एस्क्राइब्ड होती है, यू मतलब देयर इज एन आइडेंटिटी विच इज एस्क्राइब, यानी कि यू आर बॉर्न विद एन आइडेंटिटी, आपकी एक आइडेंटिटी है जो कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि आप एक खास तरह के पहचान के साथ पैदा होते हैं जो कभी बदला नहीं जा सकता। आप अगर जो है उच्च जाति से हैं तो आप उच्च रहेंगे चाहे आप मरते दम तक, या आप पिछड़ी जाति से हैं तो आप पिछड़ी रहेंगे, आप मुस्लिम खानदानों में पैदा हुए तो मुसलमान ही रहेंगे, आप गोरे हैं तो गोरे ही रहेंगे, काले हैं तो काले ही रहेंगे। यानी कि आपकी एक आइडेंटिटी जो है वो कभी बदलती नहीं है, यू आर बॉर्न विद एन आइडेंटिटी। दूसरे पर वहीं पर एक इसको कहते हैं एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी, ये नजरिया आता है। दूसरा नजरिया है एक्वायर्ड आइडेंटिटी, हम अपनी आइडेंटिटी अपनी पहचान बनाते हैं, हासिल करते हैं, कि ये एक अचीवमेंट है जो मैंने अपनी पहचान बनाई है। तो मैं अगर गरीब पैदा हुआ तो मैं गरीब रहूंगा नहीं, मैं अपनी जैसे जो है मैं कास्ट में हूं, अगर मैं दलित कास्ट में हूं, शहरों में चला जाता हूं, तो संस्कृतिजेशन का एक आइडिया है कि हम अपनी जातियों की आइडेंटिटी भी बदल लेते हैं, या अपनी खासतौर से आजकल जेंडर की भी आइडेंटिटी बदली जा सकती है, दैट इफ यू आर ए मेल यू कैन बी ए फीमेल, एक जेंडर जो है आपकी ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकती है, आपके सेक्सुअल बिहेवियर को बदला जा सकता है, आपके आप मजहब भी, जैसे घर वापसी भी हो रही है, कहीं पे कन्वर्जन भी होता है, मेनी मुस्लिम्स वेयर देयर दे बिकेम हिंदू, जो है देर आर मेनी हिंदूज हू बिकेम मुस्लिम्स, तो ये कन्वर्जन भी आप जो है, तो देर इज ऑलवेज अ चॉइस। इसमें होता कि यू कैन एक्वायर योर आइडेंटिटी, तो ये होता कि एक्वायर्ड आइडेंटिटी एंड एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी, ये दोनों डिस्कोर्स चलते रहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी का जो फॉर्मेशन, जो आपकी पहचान बनती है, वो दो चीजों पर डिपेंडेंट है, एक दैट देर इज अ डिफरेंस, और दूसरा है देर इज अ सिमिलैरिटीज। कि एक तो डिफरेंस दैट इज कि हम दूसरों से अलग हैं, हम दूसरों से यूनिक हैं, हमारे और नजरिए, हमारी खान पान, सोच, जो है पहनावे, फूड हैबिट्स, बिलीफ, अकीदे, सारी चीजें अलग हैं दूसरों से, हमारी जरूरतें अलग हैं, इसलिए हम यूनिक हैं। या दूसरा ये हो सकता है कि हम दूसरों से सिमिलर हैं, हम उसके जैसा जो होता है एक ग्रुप है, हमारा खान पान, रहन सहन, सोच, रुझानात, मजहब, जुबानें, इलाके सारे मिलते हैं, सिमिलर हैं,
तो ये हमें पहचान बनाते हैं। एक तरफ हम सिमिलैरिटीज में, व्हाट इज सिमिलर बिटवीन यू एंड मी एंड व्हाट इज सिमिलर बिटवीन मी एंड माय ग्रुप, तो वो एक सिमिलैरिटीज आपकी ग्रुप आइडेंटिटी बनाती है। दूसरा, हाउ डिफरेंट यू आर फ्रॉम अदर्स, ये आपको आपकी एक आइडेंटिटी बनाती है। सिमिलैरिटीज जो है, जो सिमिलैरिटीज हैं वही डिफरेंस को भी क्रिएट कर सकती है। जैसे कि हमारी बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि हम एक ही खानदान से, जैसे एक तो हमारी चीजें एक सिमिलर है, हम एक ही खानदान में हैं, एक ही रेस में हैं, जो है एक ही तरह के दिखते हैं, हमारी जो है बायोलॉजिकल मेकअप जो है, हमारी जो है आंखों की बनावट, चेहरे की बनावट, जैसे सारे चाइनीज जो है वो एक तरह से दिखते हैं, सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग एक तरीके से देखते हैं, उसी तरीके से जितने अफ्रीकन्स हैं वो एक जैसा देखते हैं, इंडियंस भी कहीं ना कहीं से, तो एक बायोलॉजिकल है, एक जेनेटिक मेकअप है एक इंसान का, वो एक कॉमननेस क्रिएट करती है। दूसरा ये भी हो सकता है सिमिलैरिटीज का, कि एथनिक एंड कल्चरल और मोरल जो है सिमिलैरिटीज है, कम एक ही तरह के जो है ट्राइबल ग्रुप से हो रहे हूं, या एक ही तरह के सकाफत से आते हूं, एक ही तरह के अकीदे में अखलाकियत के मानने वाले लोग हों, ये सिमिलर है, तो हमारी पहचान और आपकी पहचान जुड़ जाती है। वहीं पर जो है मुआशियात भी, जो एक आर्थिक स्थिति जो है, या सामाजिक स्थिति जो है, या राजनीतिक स्थिति, या साइकोलॉजिकल जो है कंडीशनिंग, ये भी तय करती है हम कितने सिमिलर। एक ही तरह के आर्थिक जो है स्थिति के लोग कॉमन है, जैसे सारे जो है एक्सट्रीमली रिच पीपल हैं वो एक तरीके की लाइफ स्टाइल जीते हैं, उनके बीच में कॉमननेस है। गरीबों की एक अलग चीज पहचान है, कि उनकी आर्थिक स्थिति एक समान है इसलिए जो है वो एक साथ दिखते हैं। वहीं पर सामाजिक स्थिति भी एक तय करती है, कि कहीं पे कोई फ्यूडल लॉर्ड है, कहीं पे कोई मजदूर है, कहीं पर कोई गुलाम है, ये भी एक समाज की हैसियत भी एक तय होती है आपकी आइडेंटिटी। राजनीतिक पहचान भी आपकी अलग अलग होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है। तो जो आइडेंटिटी जो है, जिसको कहते हैं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम, मुझ जैसा कौन है, तो जिसके साथ हम सिमिलर है, हमारी एटीट्यूड सिमिलर है, या लाइफ स्टाइल सिमिलर है, या फूड हैबिट सिमिलर है, रिलीजन सिमिलर है, कास्ट सिमिलर है, या बायोलॉजिकल मेकअप सिमिलर है, ये सारी चीजें जो सेमनेस है ये तय करती है। और यही चीजें डिफरेंस भी क्रिएट करती है, कि हाउ डिफरेंट आई एम बायोलॉजिकली फ्रॉम अदर्स, इथिकली जो है इथनिक डिफरेंसेस है, कास्ट डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंसेस है, मोरल डिफरेंसेस है, या इकोनॉमिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोशल है, पॉलिटिकल है, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस है, ये चीजें भी तय करती हैं। ये जैसा सेमनेस बनाती है आपके अंदर, एकसानियत पैदा करती हैं, एकसा बनाती हैं, एक समान बनाती हैं, वहीं पर आपको ये अलग भी करती हैं, भिन्न भी बनाती हैं। तो आइडेंटिटी इज ऑल अबाउट दैट, कि डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज, ये दो चीजें जो है आपकी आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करती हैं। यानी कि अगर मैं ये आपको कहूं कि अगर आपकी पहचान है, अगर फॉर एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी को बनाने की डिफरेंस का होना लाजमी शर्त है, कि अगर आप डिफरेंट नहीं, सभी एक सा है, तो फिर किस बात की आइडेंटिटी, पहचान, आपकी पहचान ही तो अलग बनाती है। तो ये एक इनएविटेबल फैक्टर है, दैट की एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस इज इनएविटेबल। जैसे कि अगर ब्लैक की आइडेंटिटी इस बात पर है कि देर आर व्हाइट्स, जो है हायर कास्ट की आइडेंटिटी इस बात पर बनी हुई है कि देर आर बैकवर्ड कास्ट, देर आर दलित, मुस्लिम की आइडेंटिटी इसलिए क्योंकि देर आर रिलीजन्स, अदर रिलीजन्स एज वेल, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, हिंदुइज्म है, दूसरे मजहब के लोग हैं। ठीक उसी तरीके से अगर जो है हिंदी की आइडेंटिटी इसलिए एक जुबान की कि एक मलयालम भी है, एक जो है तमिल भी है, एक तेलुगु जुबान भी है, अंग्रेजी की हैसियत वकार, क्योंकि ये इनएविटेबल है, डिफरेंस का होना लाजमी शर्त है। तो यानी कि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आर द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आइडेंटिटी किस तरह की, जैसे कि आप योजना की एक 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 इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, एक हमारी खुद की एक आइडेंटिटी है, और दूसरी तरफ एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, कि मैं या तो मैं ये कहूं कि मेरी अपनी एक अपनी खुद की एक पहचान है। तो मैंने ये कहा कि दैट एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है तीन तरह के पहलू आते हैं इसमें, तीन तरह के टाइप्स हैं, एक तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, दूसरी तरफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कि एक अफरोज आलम की अपनी एक जाति एक व्यक्तिगत पहचान क्या है, और अफरोज आलम एक ग्रुप के साथ भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक प्रोफेसर्स का ग्रुप हो, चाहे वो एक मुस्लिम धर्म को अगर ले ले तो मैं एक मुस्लिम धर्म का मानने वाला हूं, तो मैं एक मुस्लिम की एक आइडेंटिटी भी है मेरे पास। वहीं पर मेरी एक जाति आइडेंटिटी, पर्सनल
जो है, और वहीं पर एक सोशल आइडेंटिटी, मैं एक जाति तौर पर क्या हूं अपने घर वालों के लिए, और जब घर से बाहर निकलता हूं समाज में तो मैं किस तरह से व्यवहार करता हूं, तो हमारी एक सोशल आइडेंटिटी क्या होती है, समाज मुझे कैसे देखता है, यह भी एक आइडेंटिटी की पहचान है। एक पब्लिक आइडेंटिटी होती है, एक आवाम में हमारी किस तरह की पहचान बनी हुई है, और एक हमारी प्राइवेट आइडेंटिटी जो अपने घरों में अपने दोस्तों के साथ अपने जान पहचान के लोगों के साथ जो हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। सो आइडेंटिटी का जो आइडेंटिटी इज डीप, आइडेंटिटी इज बेसिक और आइडेंटिटी इज फाउंडेशनल एंड देयरफॉर इट इज वैल्यूड, बुनियादी चीज है। और पहचान इंसान की इतनी ज्यादा गहरी होती है, इतनी ज्यादा बुनियादी होती है, और इसलिए इंसान इसकी वैल्यू भी करता है, इसकी कद्र भी करता है, आइडेंटिटी को कल्टीवेट करने पे मेहनत करता है, आइडेंटिटी को कल्टीवेट करता है, आइडेंटिटी को जो है ये कहते हैं कि अपनी पहचान को सपोर्ट भी करता है, अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करता है, रिकॉग्नाइज करने के लिए भी, उसी आइडेंटिटी को बनाए रखना भी चाहता है, हमेशा प्रिजर्व भी करना चाहता है। तो यानी कि आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी इज डीप, बेसिक एंड फंडामेंटल, देयरफॉर वी वैल्यू आइडेंटिटी, वी कल्टीवेट अवर आइडेंटिटी, वी सपोर्ट अवर आइडेंटिटी, वी वॉन्ट इट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, वी वॉन्ट टू प्रिजर्व इट। सो इसीलिए, क्योंकि जब वो हमारी पहचान बनती है, जब हम ग्रुप किसी ग्रुप आइडेंटिटी के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, तो जब हमारा एफिलिएशन होगा, उसे जुड़ा होगा, तो ग्रुप के लिए हम काम भी करते हैं और वो हमारा ग्रुप एक्शन भी होता है। जैसे होता है, कभी भी ऐसा सवाल खड़ा होता है आपकी मुस्लिम आइडेंटिटी पर, तो आप मुस्लिम के लिए बात करने लगते हैं, कभी आप हिंदुस्तान पे सवाल खड़ा होता है तो आपकी राष्ट्रीय आइडेंटिटी आपके सामने आती है कि नहीं हम अपने देश के लिए देश के ऊपर नाश करते हैं, हम देश के ऊपर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते, या हमारी जेंडर पे सवाल आते हैं, हम जेंडर के लिए काम करते हैं, जाति के लिए काम करते हैं, तो ये सारी चीजें। तो आइडेंटिटी जो है, अल्टीमेटली आइडेंटिटी कैन बी ए सोर्स ऑफ प्राइड, जॉय, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, रिचनेस, वार्मथ। यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, इस पहचान पर आपको गर्व भी होता है, नाज भी होता है, खुशी भी होती है, यह आइडेंटिटी आपके अंदर आत्मविश्वास को भी पैदा करती है, एक जो है एक सामाजिक जो है सिक्योरिटी भी देती है, सोशल सिक्योरिटी भी देती है। इसी आइडेंटिटी से आपके अंदर गर्म जोशी भी आती है एक दूसरे के साथ जो है, यानी कि आइडेंटिटी जो है एक सोशल कैपिटल है, एक समाज की पूंजी है, एक सामाजिक पूंजी है आइडेंटिटी जो है। और लेकिन वहीं पर आइडेंटिटी जो है एक सोशल डिफिसिट भी है, एक सामाजिक नुकसान भी है। जैसे कि आइडेंटिटी एक सोर्स भी है इस बात का कि जहां पर हम लोगों को आइडेंटिटी की वजह से मार देते हैं, आइडेंटिटी कैन किल, आइडेंटिटी जो है दूसरों से हमें अलग भी कर देती है, दूरियां भी पैदा करती हैं, आइडेंटिटी जो है एक वायलेंस का भी सबब बनता है हमारे अंदर जो है, वो ये कहते हैं कि हिंसात्मक रवैया भी आता है जो है, आइडेंटिटी के वजह से संघर्ष भी होते हैं, आइडेंटिटी के वजह से झगड़े भी होते हैं, आइडेंटिटी के वजह से तशद्दुद भी होने लगता है। यानी कि कहीं पर आइडेंटिटी एक सोशल सॉलिडारिटी को जन्म देता है और कहीं पर आइडेंटिटी जो है सोशल डिस्कार्ड को जन्म देता है। मींस, लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि वी ऑल हैव आइडेंटिटीज, हम सबके पास आइडेंटिटीज हैं, लेकिन वी ऑल हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज, हमारे पास बहुत ज्यादा आइडेंटिटीज हैं, एंड एवरीबॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, हम सभी दूसरों से अलग हैं। और यहीं पर मैं दो तरह के बात करना चाहता हूं, दो तरह के जो है बुनियादी चीज है, टू इश्यूज हैं। एक, दैट आइडेंटिटीज आर प्लूरल, हर इंसान जो है, जैसे कि मैं एक मुसलमान भी हूं तो मेरे अंदर मेरी अपनी एक अलग पहचान भी है, मेरी एक टीचिंग जो है, मैं एक प्रोफेसर भी हूं, मैं एक खास इलाके से भी बिलीव करता हूं, मैं एक नॉन वेजिटेरियन भी हूं, मैं एक जो है एक लिबरल आइडियाज में बिलीव करता हूं, मैं जो है फेमिनिज्म को सपोर्ट करता हूं, मैं जो हूं जो है मुस्लिम आइडेंटिटी को भी अप्रिशिएट करता हूं, मैं खास जो है फूड हैबिट से भी आता हूं, तो मेरे पास कई तरह की आइडेंटिटीज। ये कहना कि मैं सिर्फ मुसलमान हूं और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो ये गलत है। हर इंसान जो है के पास मल्टीपल आइडेंटिटीज होती है, और सारी आइडेंटिटीज जो होती हैं बराबर की जो है अहमियत रखती हैं, दैट ऑल आवर आइडेंटिटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और ये इक्वल इंपॉर्टेंस जो होती है, ये डिपेंड करता है कि हम किस दौर में हैं,
किस हालात में, तो टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट डिसाइड विच आइडेंटिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड विच वन इज लेस इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अगर हम होटल में जाते हैं वहां पर खाना खाने के लिए, तब हमारी आइडेंटिटी आ जाती है कि क्या हम वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। फिर हम सवाल करने लगते हैं कि हलाल चाहिए या जो है झटका हमें खाना है, तो हमारे लिए फूड हैबिट का वहां पर मसला आ जाता है। हम जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाते हैं तो हमारे लिए जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी आ जाती है कि हम हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है कि कहां के। जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो हम किसी टीम की नुमाइंदगी करते हैं, तो आइडेंटिटी की आप रुमाइंदगी करते हैं, एक पहचान आपकी, आप जो है उस पहचान को रिप्रेजेंट भी करते हैं, वो पहचान आप उसको बनाए रखते हैं। कहीं पर आप जहां पर रेशियलिज्म है वहां पर आपके गोरे और काले होने का फर्क है। जब आप बड़े लोग आप ऐसे माहौल में है जहां पर सभी की हाइट 6 फीट है और आपकी हाइट 5 फीट है, तो आप अपनी हाइट को लेकर के परेशान रहते हैं, तो आपकी हाइट ये करती है। कहीं पर एक मूवमेंट चल रहा है फेमिनिज्म की, फेमिनिस्ट वुमेन मस्ट बी गिवन इक्वल राइट्स, इक्वल डिग्निटी, और उसमें उनको उनके सारे तमाम हक होने चाहिए। तो आपको तय करना होता है कि whether यू सपोर्ट दैट फेमिनिस्ट कॉज और नॉट, तो वहां पर आपकी जेंडर आइडेंटिटी आपके सामने आती है, तो आपके पास मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं। दूसरा इशू ये है दैट कि देयर इज ऑलवेज अ चॉइस अवेलेबल टू अ पर्सन टू मेक चॉइस अबाउट देयर आइडेंटिटीज। हमेशा हमारे पास चॉइस होती है कि हम किस आइडेंटिटी को कितनी अहमियत देते हैं। हम जो भी आइडेंटिटी मेहनत को जो है इंपॉर्टेंस देते हैं उसमें हमारा चॉइस इन्वॉल्व होता है। हम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, हमें तो सिर्फ एक ही तरह से देखा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ चॉइस। आई कैन बी अ मुस्लिम एंड एट द सेम टाइम आई कैन बी अ सपोर्टर ऑफ मार्क्सिज्म, और आई कैन बी अ वेजिटेरियन, आई कैन बी रिप्रेजेंटिंग द कॉज ऑफ इंडिया। देयर इज ऑलवेज अ मल्टीपल आइडेंटिटीज इन मी। ये कहते ना कि नहीं, आई हैव ओनली वन डोमिनेंट आइडेंटिटी, ऐसा नहीं हो सकता। तो अमर्त्य सेन जब अपनी किताब लिखते हैं आइडेंटिटी एंड वायलेंस में, वहां पे दो तरीके के रिडक्शनिज्म की बात करते हैं अपनी आइडेंटिटी में। एक तो रिडक्शनिस्ट वो होते हैं कि इंसान ही होता है जो कहता है कि आई डोंट हैव एनी आइडेंटिटी, उसको कहता है कहते हैं अमर्त्य सेन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी डिसरिगार्ड, कि हम किसी तरह की आइडेंटिटी से हम जो है अपने आप को दूर करते हैं। मतलब कि नहीं, मैं और मैं ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आई इज मोर इम्पॉर्टेंट। मैं किसी ना किसी ग्रुप से बिलोंग करता हूं, ना किसी जाति से, ना किसी मजहब से, मेरे ही अपनी मुफाद के, मैं सेल्फ सेंटर्ड इंसान होता है, और जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं वो बेकार होते हैं। उनको कहते हैं कि जाए कि अमर्त्य सेन जो वो रेशनल फूल है, वो बेवकूफ है जो कहता है कि उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं होगी, किसी के साथ वो जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। दूसरा जो रिडक्शनिज्म है वो कहते हैं कि जो है सिंगुलर एफिलिएशन की, कि एक आदमी अपनी एक ही पहचान के साथ जुड़ाव महसूस करता है। एक आदमी कहता है कि मैं मुस्लिम एंड मुस्लिम अलोन एंड नथिंग एल्स, मैं तो सिर्फ मुसलमान हूं और कुछ नहीं हूं, इसके अलावा और कोई मेरी पहचान नहीं है, या मैं तो हिंदू हूं और कट्टरवादी हिंदू हूं और हिंदू स्वार्थ के खिलाफ जब भी कोई बात होगी हम उसके लिए लड़ेंगे, या मैं क्रिश्चियन हूं, या मैं ये कहूं कि मैं सिर्फ तेलुगु हूं, मैं किसी और जुबान को मैं पहचान नहीं कर सकता। तो ये कहना कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी से बिलोंग करता हूं, वो डोमिनेंट आइडेंटिटी है, ये नहीं। यही डोमिनेंट आइडेंटिटी जो है आपको वायलेंस की तरफ मोड़ती है, और कहते हैं कि नहीं जो है हम एक आइडेंटिटी के लिए जिएंगे, उसके लिए मर जाएंगे। आप जिसको मारना चाहते हो या जिसके लिए मरना चाहते हो, कहीं आप में और उसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगी, ओवरलैपिंग चीजें होंगी। हो सकता है कि सामने वाला हिंदू, आप मुसलमान हो सकता है कि आप एक इलाके से हो, पड़ोसी हो, तो एक कॉमन ग्राउंड तो वहां पर डेवलप हो सकता है। हो सकता है कि सेम जुबान बोलते हो तो वो कॉमन ग्राउंड हो सकता है। तो एक इंसान के अंदर अगर मल्टीपल आइडेंटिटीज है और सभी को बराबर की अहमियत देता है, तो कहीं ना कहीं आप दूसरे से कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेते हैं, और जिसकी वजह से आप तशद्दुद से, किसी भी तरह के हिंसा से, किसी भी तरह के नफरत से आप बच जाते हैं। यानी कि आइडेंटिटी आपको तय करनी है कि किस तरह की शिनाख्त और पहचान आपकी बने इस समाज में, आपकी क्या पहचान अमन और अमान को कायम करेगी, जो है सभी के मान सम्मान के बारे में बात करेगी, या आपका जो पहचान है लोगों को बांटेगी, मजहब की बुनियाद हो, जुबान की बुनियाद हो, इलाके की बुनियाद हो, आप किस तरह की पहचान बनाना चाहते हैं इस पे डिपेंडेंट है। आज की सियासत आप देखते हैं कि राज किस तरह से जो है आइडेंटिटी को का शोषण हो रहा है, लोग अपने फायदे के लिए आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस जो है इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बेहतर दिशा में मोड़ना चाहते हैं,
यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मस्ट बी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द आइडेंटिटीज, नॉट टू डिवाइड द सोसाइटी ऑन आइडेंटिफिकेशन या ऑन आइडेंटिटी लाइंस। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।